तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ विवेक सिंह, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ लेके आ गया हूँ। आज का वीडियो दोस्तों वाकई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, जहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऐसा मशीन लेना चाह रहे हैं टीनी टेक वाली टाइप का, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला। आप ये वीडियो को ज़रूर देखेगा। ये वीडियो हल्का समय लंबा बनाऊंगा ताकि आपको पूरा डिटेल से दिखा के विथ प्रूफ के साथ समझा पाऊँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है ऐसा मशीन को लेने में। तो दोस्तों, मैं पिछले हफ्ता रांची गया हुआ था, मुझे पता चला कि हमारे गली मोहल्ला में एक ऑयल मिल लगा है जो कि शायद एक साल पुराना था। यहाँ पे दोस्तों मेरा मामा का जो बेटा है उसे सरसों का पिराई कराना था, तो मुझे बोला भैया आप एक्सपीरियंस हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप मेरे साथ में चले। जो कि दोस्तों आप पहले देख चुके होंगे कि 17.5 kg राय है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ये दोस्तों एक्सपेलर जो है ना, जो आप देख पा रहे हैं टीनी टेक वाली टाइप की है, ये टीनी टेक कंपनी का नहीं है। मार्केट में बहुत सारा कंपनी दोस्तों इस मॉडल का एक्सपेलर बनाती है, जो कि आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। क्योंकि बाद में दोस्तों मुझे पता चला कि ये जो मशीन लिया गया है ये टोटल 2 नंबर मशीन है, डुप्लीकेट मशीन है। इसमें दोस्तों 17.5 kg के आसपास जो कि सरसों थी, आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये दोस्तों मोटा मोटी 5 kg तेल भी नहीं निकाल पाई, क्योंकि भैया ये मशीन ऑलरेडी डुप्लीकेट मशीन है। मार्केट में बहुत सारा कंपनी है जो कि फ्रॉड करती है दोस्तों। चेतन कंपनी की कंपनी है, चेतन कंपनी आप ध्यान से देख लें, आपको कभी भी ऐसा मशीन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये मशीन दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या क्या समस्या आती है। अब वीडियो के अंत तक कृपया जरूर बने रहे अगर आपको ऐसा मशीन लेना है तो। इनका दोस्तों मिल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कि गली मोहल्ला का मिल है भैया, टाउन का। यहाँ पे इनका बिजली कनेक्शन है, 2 की आटा चक्की है, एक हल्दी वाली है, एक गेहूं वाली है, एक ऑयल एक्सपेलर है। इनको मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे नॉलेज नहीं था मशीन के बारे में, मैंने जल्दीबाजी में मशीन ले लिया क्योंकि डिमांड था, हमारे यहाँ तेल का बिक्री था, तो जल्दीबाजी में गलती से गलती कर बैठे। और ये चेतन कंपनी का जो कि एक्सपेलर लिए हैं, इसमें दोस्तों दरअसल हो यूँ रहा है कि आप देख पा रहे हो बड़ा धीरे धीरे करके पिसाई करता है, और दोस्तों थोड़ा समय के बाद जाम हो जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि जाम होने के बाद क्या कुछ परेशानी है जो हमें झेलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। जाम होने के बाद पूरा चेंबर को खोलिए, चेंबर के बाद साफ कीजिए, साफ करने के बाद फिर से पिराई करें। अगर खली आपका ठंडा हो गया तो तेल भी 3 kg के हिसाब से नहीं आएगा। तो भैया तेल मिल वालों को सबसे पहले तो मशीन लेने से पहले आपको चेक करना चाहिए मशीन की क्वालिटी क्या है, लाइव डेमो देख लें, उसके बाद ही लें। मैं भी दोस्तों जीकू का एक्सपेलर बेचता हूँ, तो भैया पूरा 100% सिक्योरिटी के साथ बेचता हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों इसका समस्या को देख पा रहे हो, बड़ा ही धीरे धीरे ये मशीन काम कर रहा है। और दोस्तों 17.5 kg का आसपास सरसों थी, उसमें 5 kg भी हमारी तेल नहीं आई क्योंकि नुकसान हुआ। आप यहाँ दोस्तों देख पा रहे, पहला राउंड है, पहला राउंड में तेल कितना ज़्यादा निकलता है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे कि तेल हल्का से भी नहीं निकल रहा, सिर्फ खली ही बना रहा। अभी तो दोस्तों सिर्फ खली बना रहा, आगे क्या होता है आप देखिएगा, काफ़ी सारा समस्या इस मशीन में आया। तो मैंने चाहा कि एक वीडियो बना के YouTube पे डाल दिया जाए ताकि हमारे सब्सक्राइबर भाई जो कि हमें देखते हैं, रेगुलर हमें वॉच करते हैं भैया, उनके लिए एक अच्छा वीडियो बन सके और ये अपना वीडियो के माध्यम से जान सके, ताकि गलत से भी गलत एक्सपेलर ना ले लें। यहाँ पे खली दोस्तों अच्छा क्वालिटी का बना रहा है, लेकिन तेल ही नहीं निकाल पा रहा है दोस्तों। इस टाइप का जो मशीन आती है ना, टीनी टेक वाली मशीन है, मैं वो मशीन का दोस्तों 1 नंबर इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि टीनी टेक वाली अच्छी होती है। मैंने बहुत जगह घुमा तो, और मैंने रांची में दोस्तों एक जगह पिस्का मोड़ आते में टीनी टेक वाली मशीन है, वहाँ पे अच्छी चल रही है, तेल भी अच्छी निकालती है। भले टीनी टेक वाली दोस्तों मशीन का हल्का सा दाम ज़्यादा है, जहाँ दोस्तों आपको देखिए क्वालिटी वाला चीज़ को लेने में हमेशा दोस्तों दाम ज़्यादा लगता ही है। ये भी दोस्तों कम दाम दे के ये मशीन को लिए थे, ठीक है भैया, कभी भी 2 रुपया कम नहीं लगाइए। मशीन बार बार दोस्तों नहीं लिया जाता, एक बार लेने के बाद मशीन बार बार नहीं लिया जाता। अब यहाँ पे दोस्तों देख पा रहेंगे, यहाँ पे मशीन एकदम जाम हो गया, हल्का हल्का से भी खुलने के बाद पास नहीं हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे मशीन को बंद करना पड़ा लास्ट में, क्योंकि मशीन चल ही नहीं रहा था दोस्तों। मैं तकरीबन 1 से 2 घंटा था, मैं दोस्तों समझ गया मशीन का प्रॉब्लम। मैं दोस्तों जब अगले दिन गया तो इनको मैंने आराम से बढ़ा के समझाया, भैया आपको मशीन लेने से पहले सबसे पहले आपको जांचना पड़ता है, प्रताड़ना पड़ता है, उसके बाद मशीन लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है।
इनके पास दोस्तों हॉलैंड, देखिए आप यहाँ पे कंपनी देखिए आराम से, चेतन एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोस्तों मोटा मोटी हमें लगता है कि राजस्थान या जयपुर का ये मशीन है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाई, एड्रेस दोस्तों यहाँ पे गंदा हो गया है, दिख नहीं रहा है, चेतन एग्रो इंडस्ट्रीज दोस्तों आप देख लें, राजकोट, जी हाँ दोस्तों राजकोट का ये मशीन है, राजकोट। तो आपको टीनी टेक वाले आप आराम से ले सकते हैं, टीनी टेक में कहीं से भी दो नंबर नहीं आता है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं हूँ विवेक सिंह, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।